आईबीटी न्यूज़ की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। कौशाम्बी की सैनी पुलिस ने हरियाणा से बिहार चोरी छिपे ले जा रही अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। सैनी पुलिस ने थाना इलाके के कमासिन मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी I-20 कार को रोक कर जांच की गई। अवैध शराब के 750 बोतलें बरामद हुई है। पुलिस ने I-20 कार, आरोपित कार चालक और अपने अवैध शराब को अपने कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई कर रही है। सर्किल अफसर सिराथू रामवीर सिंह के मुताबिक सैनी पुलिस के प्रभारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपने सहयोगी पुलिस बल के साथ कमासिन मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी I-20 कार आई जिसको रोका गया तो उसके अंदर से ये सामान बरामद हुआ है। खाता जनपद मथुरा का रहने वाला है, तो ये हरियाणा से खरीद करके और ये बिहार ले जाते हैं। इस पर 3 नंबर अवैध नंबर प्लेट भी मिली है, जो एक दिल्ली की है, एक मथुरा की है, एक और है बनारस। जो नंबर प्लेट था सर, तो उसमें से क्या सप्लाई होती जाती थी अन्य देशों में? मतलब ऐसा है, एक नंबर प्लेट इसलिए रखता था कि पश्चिम में अगर इसको चलना है तो पश्चिम वाली पश्चिमी जिले की जनपद की नंबर प्लेट लगा ली तो उससे पुलिस नहीं रोकेगी। पूर्वांचल में आया तो पूर्वांचल की लगा ली, इससे पुलिस नहीं रोकेगी। पकड़ी गई शराब की कीमत क्या होगी सर?